वाह, इस बार तो मस्त एंट्री किया तूने। क्या करूं, आदत से जो मजबूर हूँ। वैसे बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, थोड़ा प्यार मोहब्बत किए हुए, हो जाए थोड़ा फाइटिंग शाइटिंग। I'm always ready. हर बार की तरह इस बार भी कोई धूल चाटते हुए। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वही हाल है तेरा, जा जाके घर में रह, तुझसे गुंडागर्दी ना हो पाएगा। इस बार मैं शोभा को छोड़ूंगी नहीं, ऐसा गेम बजाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखे। ये तो आपका हर बार का डायलॉग है। क्या? अरे बॉस, उसे छोड़िए ना, उससे पहले आप एक बात बताइए। क्या? आप बार बार सुबह से पीटने चले जाते हैं और बार बार उससे हार के आ जाते हैं और अपना मुंह काला करवा लेते हैं। और साथ में हमारे भी। नहीं, इस बार खत्म कुछ अलग ही तरीके से होगी। इस बार हेड भी मेरी होगी और टेल भी मेरी। Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Happy birthday, my little princess. Thank you. चलो फिर आप केक कट करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Alyssa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मुझे केक नहीं खिलाओगी प्यारी बच्ची? देख, यहाँ कोई चलाकी करने की कोशिश मत करना, मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ कुछ गड़बड़ करने आई है। पर मुझे यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए। अरे यार ची, तू कितनी नेगेटिव सोचते मेरे बारे में, तू इतनी भी बुरी नहीं हो जितनी तू सोचती है, उससे कहीं ज्यादा हो। अब तो मुझे पता चल गई तेरी कमजोरी। सोच, अचानक से ये आश्रम में आग लग जाए और ये छोटी नन्नी नन्नी बच्चे चीखे, अच्छा नहीं लगेगा ना? वापस तो आ जा यार, सीने से। अरे अरे, तू तो गुस्सा कर रही है। सुन मेरी बात, ये आश्रम की 50% जमीन मेरे नाम कर दे, उसके बदले मैं तुझे पैसा भी दूंगी, क्योंकि मुझे एक मस्त ऑफर मिली है। मैं यहाँ पे एक बड़ी सी मॉल बनाऊंगी और करोड़ों के धंधे करूंगी। और ये बच्चों का क्या है, फेंक इसे रस्ते पे।
दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है तू? मैं इन बच्चों को बेघर नहीं कर सकती तेरी चंद पैसों के लिए। मेरे दादाजी ने बड़े ही प्यार और मेहनत से आश्रम को बनाया था इन गरीब बच्चों के लिए, और तू चाहती है कि मेरा आश्रम तेरे नाम कर दूं? नेवर। अरे ब्रो चिल यार, हमेशा इतना हाई टेंपर सही नहीं लगता है। वो अच्छे से सोच एक बार, तुझे पता है मैं कितना नीचे गिर सकती हूँ। क्या तू तो इस आश्रम के बदले बच्चों की जान सौदे में लगा सकती? सोच ले, हल्के में मत लेना। पहली बार समझदारी का काम किया तूने। I like it. तेरे नाम में शहर की पीछे वाली जमीन कर दूंगी, उसके बदले मैं जैसे कहती हूँ तुझे वैसे करना। बोल, मंजूर है? जमीन कितना बड़ा है? मानना पड़ेगा अलीना, क्या दो तरफा इंसान है तू? सिर्फ कुछ पैसों के लिए तूने अपने दोस्त को फंसा दिया। पैसा ही तो एक ऐसी चीज है जो किसी को भी बदल सकती है। पर अब तेरा काम हो गया, अब तेरा रहने का क्या फायदा? क्या मतलब? बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, लालच बुरी बला है। दुबाया ना पैसों की लालच ने तुझे। सॉरी सुबह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो माफ कर दे। हुआ हुआ, तेरा इमोशनल ड्रामा। अब सोई रहेगी या फिर एक्शन भी करेगी? बिना एक्शन के कहानी खत्म कैसे होगी?
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं फिर से नहीं करेगा ऐसा। जा जी ले अपनी जिंदगी। बाय बाय दस्ता, तुम लोग मरो। तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना।